हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इलाज के लिए मदद की गुहार लगाने वाली बीकानेर निवासी 7 महीने की नूर फातिमा आज दुनिया को अलविदा कह गई। नूर फातिमा ने इंजेक्शन के अभाव में आज सुबह दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने बीकानेर के एक कब्रिस्तान में फातिमा को सुपुत्र एक खाक किया। वहीं फातिमा के निधन के बाद सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने शोक संवेदना प्रकट कर फातिमा को सच्ची श्रद्धांजलि दी। दरअसल बीकानेर के चूर नगरा मोहल्ले की रहने वाली 7 महीने की नूर फातिमा को SNM नामक बीमारी थी। इस बीमारी में नूर के पैदा होने के बाद शरीर के एक हिस्सा काम नहीं कर रहा था। इस पर फातिमा के परिजनों ने जयपुर के JK लोन अस्पताल में इसका इलाज करवाया था, जहां डॉक्टरों ने स्पाइन मस्कुलर एंट्रोपी टाइप 1 बताई थी। इसके इलाज के लिए डॉक्टरों ने विदेश में 16 करोड़ रुपए के जोल गेंसमा नामक इंजेक्शन बताया था, मगर परिजनों के पास गरीबी के अभाव में पैसे नहीं थे। ऐसे में परिजनों ने बच्ची को बचाने के लिए परिजनों और मित्रों ने जन सहयोग से रुपए जुटाने के लिए एक अभियान चलाया था। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद के लिए गुहार लगाई थी। वहीं क्राउड फंडिंग के लिए बीकानेर के बॉलीवुड गायक राजा हसन, सिंगर तोशी साबरी, मिस एशिया पैसिफिक अनुपमा सोनी ने भी फातिमा के इलाज के लिए लोगों से सहयोग की अपील की थी। बीकानेर जिला कलेक्टर नमिता मेहता ने भी इस केस की पूरी जानकारी लेकर सहयोग का आश्वासन दिया था, मगर आज फातिमा ने इंजेक्शन व पैसों के अभाव में दम तोड़ दिया। वहीं नूर फातिमा के परिजनों ने बताया कि इलाज के लिए चलाए जा रहे अभियान में करीब 30 लाख रुपए फातिमा के पति और चाचा के खाते में आए हैं। वहीं 10 लाख रुपए सामाजिक संस्थाओं के पास है। परिजनों ने बताया कि फातिमा अब दुनिया में रही नहीं, इकट्ठे किए गए पैसों को संस्था को फोन कर वापस रख लेने के लिए कह दिया है। वहीं जिन लोगों ने सीधे खाते में राशि जमा करवाई थी, उन्हें भी उनका पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। जिस खाते से रुपए आए हैं, उसी खाते में रुपए वापस देने का प्रयास होगा। अगर कोई व्यक्ति रुपए वापस नहीं लेगा तो किसी नेक कार्य में खर्च कर दिए जाएंगे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए अब्दुल हकीजा, चाचा नूर फातिमा, इन्होंने ये कहा। दीदी, नूर फातिमा को SMA टाइप 1 बीमारी हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर फेटल डिजीज है। इसमें जो डॉक्टर है वो जो बच्ची की एज है वो 12 से 15 महीने ही बताते हैं, और अभी तक दुनिया के अंदर जितने भी केस हुए हैं वो 12 से 15 महीने के अंदर ही बच्चों की डेथ हुई है। 100% डेथ गारंटी डिजीज है ये। हमने इस बच्ची के लिए जब हमने रिसर्च किया, लोगों से बात की, तो हमने देखा कि इस बच्ची के लिए सिर्फ दुनिया में एकमात्र दवाई है जोलगेन SMA, जो नोवार्टिस कंपनी बनाती है, लेकिन जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत बड़ी राशि थी। तो जब इस दवाई के बारे में पता चला तो एक आम वर्ग या मध्यम वर्ग के परिवार के लिए राशि जुटाना बहुत मुश्किल था, तो हमने इसके लिए क्राउड फंडिंग की। जैसा कि बाकी इंडिया में जो केसेस हुए हैं उनके जब उनसे जब हेल्प मिली, जो उनसे मदद मिली, तो हमने भी अपने लेवल पे क्राउड फंडिंग स्टार्ट की बच्ची के लिए, न्यूज़ चैनल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सबके थ्रू सहयोग राशि जुटाने का प्रयास किया, और काफ़ी भाइयों ने मदद भी की इसके अंदर। तो सब भाइयों की मदद से आज दिनांक 15 जून तक लगभग मेरे खाते में, लड़की के पिता जिशान अहमद के खाते में, और जो NGOs आगे आए इस बच्ची को इस मुहिम में, मिलाप, इम्पैक्ट ग्रुप और दूसरे NGO, उन सब के खातों को मिला के जो राशि प्रतीत हुई है वो 40 लाख हुई है। ये 40 लाख राशि अब हमारे तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमारी बच्ची आज की दिनांक में दुनिया को छोड़ चुकी है। जागरूक टीवी की बीकानेर से खास रिपोर्ट।